अच्छा तो अनस कौन है? अनस एक अच्छा लड़का है या अनस अनस है या अनस मलिक जुबैर है? अच्छा, जब ये मीम्स चल रही थी तो आपका क्या रिस्पॉन्स था? मुझे फनी लगा था क्योंकि उससे पहले सिर्फ मुझे वो था कि हेट के मलिक जुबैर तुम ये तुम वो फ्ला 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 सम ऑफ देम वर फनी, बट ये जब अनस एक अच्छा लड़का है चला तो मुझे बड़ा फनी लगा कि यार मतलब सही है कि उसमें ना फनी आ रही है कि वो कोई भी एक रैंडम उन्होंने सवाल पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल चाय क्यों ठंडी है, क्योंकि अनस एक अच्छा लड़का है। एग्जैक्टली, I enjoyed that. I really, I was like fit. लगे रहो. Because I am someone who loves memes. तो जब वो अपने ऊपर आ रही थी ना, आप शुरू में क्योंकि वो नफरत वाली आ रही थी तो मैं enjoy नहीं कर रहा था. I'll be honest. मैं सड़ रहा था देखना. अच्छा. और मैं वो ना कोई पोस्ट करता ना कुछ, बीच में एक आध कोई पोस्ट करती, फिर जब ये वाला पूरा चैप्टर शुरू हुआ ना अच्छा लड़का है, फिर मैंने पोस्ट करना शुरू की, फिर ये जो क्लाइमैक्स हुआ मेरे पूरे कैरेक्टर का आफ्टर द एंटायर किडनैपिंग इंसिडेंट, फिर मुझसे मेरा आमना सामना, उसके बाद फिर फाइनली ना मुझे लोगों ने प्रेज करना शुरू किया, विच आई फेल्ट लाइक अगेन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला, विच आई फेल्ट लाइक वाज मिसिंग इससे पहले, क्योंकि मैं जो मर्जी कर लूँ मुझे सिर्फ गालियाँ पड़ी थी, जो कि फिट है, बट मलिक जुबैर और जनरली आप एज मलिक जुबैर एंड अनस मुझे किसी ने अब हम स्पेसिफिकली ड्रामे की बात मैंने क्योंकि नहीं किया, मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़ने छोड़ दिए थे, किसी ने मेरी तारीफ नहीं, एंड अगेन वो नहीं है कि आई नीड के ओ माई गॉड मेरी तारीफ करो, मैंने बहुत मेहनत की है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एंटायर टीम, बट वो ये ना कि एवरी वन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ट्रू, बट वो आप जब सिर्फ दो तीन लोगों की तारीफ कर रहे हो ना तो अगला बंदा कहता है कि यार क्या मतलब है। और अगर आप देखें तो अगर मलिक जुबैर नहीं आता और उसने ये सब नहीं किया होता, अनस नहीं होता, तो हमें कोई ये थ्रिल ये एक्साइटमेंट ही नहीं होती कि ओ मरियम भागेगी नहीं भागेगी, मरियम बचेगी नहीं बचेगी। सो आई थिंक समटाइम्स इन आर यू नो एक्साइटमेंट हम भूल जाते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं for our excitement, for us to appreciate something else, you have to exist. वरना तो हम appreciate कैसे करेंगे? और यही हुआ ना जब ये पूरा मेरे character का climax हुआ सारा सी, इसके बाद finally praise मिला, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि यार चलो फाइन लोगों कदर तो ही क्या मेरे मेहनत की, again it's not like I'm you know कि मुझे नहीं बुरा लग रहा for the success of my co-stars anyone, I'm very happy for everyone, माशाल्लाह सबने मेहनत की है ना, right? आपकी पूरी टीम आपके साथ काम कर रही है, it's a team effort, बिल्कुल, right? So everyone should be praised कि हाँ यार आपने एक effort डाली है, तो ये सब हुआ finally I just you know that felt really nice, but more than anything पता है अगेन मेरी लक ये है कि देखें लोगों ने मेरे से बहुत ज्यादा काम किया हुआ है लेकिन मेरी रिकग्निशन ज्यादा है, व्हाई अगेन आई एम जस्ट लक, ये अल्लाह ताला का एहसान है, क्योंकि मेरे दो तीन ड्रामे हिट हो गए, मेरा पहला ड्रामा सगे मरमर हिट हो गया, एक थी मरियम हिट हो गया, फिर मैंने एसएनएस की बाकी आता वो हिट हो गया, तो मेरी अगेन ये भी मेरी लक है, ये माँ बाप की दुआएं अल्लाह का एहसान है, इस पर भी मैं हो कर सक, बट देयर इज नो पॉइंट, सो मेरे पास थोड़ी बहुत रिकग्निशन थी, आफ्टर दिस this is another level of recognition and alhamdulillah I'm grateful to Allah taala, but none of that matters to me, why? Because meri na ek jung chalti rahi apne ghar walon se, I am the kyunki after jab cricket ki taraf agar hum aate, so I was kind of forced to quit cricket. main agar aapko yahan rokun thoda sa, acha aage hum aage baat karenge, hum ye is pe detail mein aayenge, hum pehle tere bin ko wrap up kar lete, okay tere bin ko wrap up kar lete aur phir hum is sari detail mein aate hain, ye bhi bahut interesting kissa hai, bhi kahani hai, so what I want to know is Malik Zubair ke jo father hain वो काफ़ी मतलब वो भी जज्बाती हैं मलिक मुख्तार, लेकिन थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल करती है, तो यूजुअली अगर हम कैरेक्टर्स देखते हैं तो हमें वो पीछे से भी नज़र आ रहा होता है कि वो कोई स्ट्रीक चल रही है इतनी एरोगेंस या इतने गुस्से की कि वो जनरेशन बाय जनरेशन आ रही है, यहाँ फ़र्क लग रहा है मुझे, तो ये क्यों हुआ है, क्या इसका राइटर की ना, आई फील लाइक ये राइटर ने बहुत अच्छा लिखा हुआ था, ओके, क्योंकि हम देखते हैं ना अगर फॉर एग्जाम्पल आप भी रोज़ की इंटरेक्शन करती है, so again not all people are bad, not all people with such backgrounds are bad, but आपको younger generation में ज़्यादा मिलेगा compared to the older generations. Okay. Why? एक तो जवानी का वो जुनून आप इसे कह सकते हैं, दूसरा वो ये ना कि जिस बंदे ने खुद बनाया है, फॉर एग्जाम्पल मलिक मुख्तार का जो इमेज दिखाया हुआ है कि मलिक मुख्तार ने एक चीज़ अगर खुद बिल्ड की है, ही स्पेंट हिज एंटायर लाइफ बिल्डिंग दिस लाइफ स्टाइल, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े खान है तो पीछे से चलता आ रहा है ना, बट एक बंदे ने अपनी जिंदगी में पूरी मेहनत और उसका अप्रोच किया, तो आई फील लाइक दिस आल्सो अप्लाइज इन रियल लाइफ एज वेल, कि एक बंदा जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की ये सब बनाने के लिए उसको उसकी कदर होती है, नॉट ऑलवेज, और यंगर जनरेशन में नहीं होती क्योंकि वो बचपन से, तो मलिक जुबैर आई फील लाइक वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट, उनको प्लेट पे मिल गया तो प्लेट पे सब मिला, और उसकी वो बदमाशी की वही बात है ना, हर वक्त गार्ड साथ, हर वक्त खुली बदमाशी, कोई भी मसला हो जाए हल हो जाता है, no one has the audacity to say anything to you, तो that I feel like spoils you, तो I feel like मलिक जुबैर और मलिक मुख्तार की बड़ी अच्छी depiction थी writer की, अब आप जब कह रहे हैं तो ये actually it makes sense, because वो मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे यही लगा कि यार this is the, वो ये ना कि पढ़ते हुए खुद ज़हन में आ जाते हैं ख्याल कि हाँ this makes sense, तो which also again helps me to perform the character, मलिक मुख्तार is careful कि वो ये चीज़
लूज ना कर दूं। So, अब मलिक जुबैर इज नॉट, अब वो वही है ना कि मलिक मुख्तार की फॉर एग्जांपल वो जाते हैं, जब मैं पहली दफा जेल जाता हूँ जो मुर्सिम के पास जाते हैं, कहता है छोड़ दो। अब वो इफ द रूल्स वर रिवर्स्ड मैं तो बंदे लेके गो जाता कि मेरे बाप को तूने पकड़ा है, मर जाता लेकिन गिवन नहीं करता, गिवन नहीं करता। वो जवानी का आपसे जुनून कैसे था, वही ना कि एक स्पॉइल्ड ब्रैट व्हाटएवर द बैकग्राउंड के बचपन से पावर ताकत, वेयर एज द पर्सन हुज हैड इट ऑल हिज लाइफ, हुज यू नो वही बात है बड़ा खान जिस तरह दिखाया हुआ है जिस तरह मुर्सिम का भी है, ऑब्वियसली ही हेल्प्स ऑल द पीपल ना। सो एक बंदा जिसके पास इतनी पावर, ही अंडरस्टैंड्स किया देयर आर सो मेनी पीपल दैट आई हैव टू हेल्प आउट यू नो हु आर डिपेंडेंट ऑन मी, जितने भी इश्यूज होंगे क्योंकि औलाद में नहीं है, औलाद तो फुल बिगड़ी हुई। अच्छा तो हम मलिक जुबैर की वापसी देखेंगे या यहीं पर रैप अप हो गया? वो जो तस्वीर ली थी ना, दैट्स मेकिंग मी क्यूरियस। आई थिंक देखते हैं, ये थोड़ी बताऊंगा। अच्छा, स्टेज आई शुड यू नो लीव समथिंग फॉर द फैंस। ओके, मतलब आप हमें कुछ, मतलब कुछ नहीं, हमें हम लटके रहे इंतजार में। इतना कुछ तो बता रहा हूँ, देखिए सब तो बता दिया, इतना सा तो मेरा हक है ना, थोड़ा मिस्टीरियस होने का। लेट मी बी मिस्टीरियस, यू नो लाइक मिस्टीरियस। अब मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ कि वापसी जो होगी वो एज अनस होगी या एज मलिक जुबैर होगी? वही बात होगी ना, देखिए ये तो आप स्मार्ट हो गए, तभी बताऊंगा। मैंने कहा किसी किसी के बारे में आइडिया अच्छा था, आइडिया अच्छा, आई लाइक्ड इट फॉर अ सेकंड, मैं बोलने फिर नहीं, एक सेकंड। सो लेट्स सी, ठीक है ठीक है। नहीं मैम, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू वेट एंड सी, बिकॉज मुझे लगता है ड्रामे का मजा खत्म हो जाता है, वो जो आपका नेचुरल रिएक्शन होता है। मेरी अम्मी से भी लड़ाई होती है। अच्छा, अम्मी फोन करती है क्या होगा, मैं नहीं बताता, अम्मी मुझे कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी ये वो, मेरी बड़ी बहन वो, मैं कहता हूँ लगे रहे मसला ही नहीं, बट यही है कि मैं बताता नहीं किसी, कैसा आई फील लाइक बता दें तो फायदा क्या। मरियम के लिए एक लम्हे के लिए भी अनस के दिल में फीलिंग नहीं आई, इतनी प्यारी है, बिल्कुल नहीं, बहुत सख्त दिल है, दिल में सच बोलूं या ऑडियंस को प्लीज करूं? दोनों, पहले सच वाला आंसर और फिर ऑडियंस वाला आंसर। नहीं, बिकॉज़ अगर मरियम के लिए किसी भी तरह की फीलिंग आती तो मलिक जुबैर ये सब नहीं करता। ओके, और अगर मैं ऑडियंस का पीस करना, नहीं इतनी अच्छी थी, मेरा भी हुआ, फिर मैंने कहा नहीं चलो जमीन ले लेते, दैट्स नॉट ट्रू ना, दैट्स जस्ट लाइक अ स्टूपिड आंसर। बट वो ये कि अगेन अ मैन हु इज लाइक मलिक जुबैर इज हेल बेंट ऑन वन थिंग, ही डजंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। उसको मुर्तसिम को नीचा दिखाना है, that's just it for him and she is just a means to an end. Maria, mujhe ye hua ki mujhe lagta tha wo uske sath kuch bura karega lekin usne bura nahi kiya, chhod diya, to usse mujhe hota hai ki shayad lekin zameen were more important, of course, to us waqt to wo leke chala gaya, to ho sakta chale dekhte hain, kyunki wo hai na ki agar wo zameen leke uski behni ka kuch kar dega to phir to masla hai, usko to zameen chahiye na. Ab wo kar sakta tha, kar sakta tha, kuch nahi karta bolte sir, but again it will come back to haunt him na. Oh, Malik Zubair thinks about that. It makes sense, अगर उसने इतनी प्लानिंग करके एक मिडिल क्लास आदमी बन के मेहनत करके अगर उसकी बहन को फंसा दिया, उसकी बीवी को डिसीव कर दिया, जो पूरा फॉर एग्जांपल सीन है कि मुर्सिम आता है वो कोठा है और मीरा बाती है तो घर है, वो बड़ा है, अब वो देखिए कितनी वो मतलब बहुत, अगर वो इतने बड़ा गेमर है, इतने लेवल की उसकी स्कीम्स है, तो ये बात तो कंसिडर करेगा मोहब्बत के जाल में नहीं फंसने वाला वो।